नगर पालिका की तरफ से फूल मंडी औरंगपुरा रोड के ऊपर जो अतिक्रमण रास्ते पर जो आगे बढ़ गए थे वो साफ सफाई चालू है, क्या कहेंगे सर? यहीं पर देखिए, हम महापालिका का स्वागत करते हैं। बात ऐसी है कि हम इनको पिछले पाँच साल से इनको बोल रहे हैं कि आप इसमें सातत्य रखें, बीच बीच में गैप मत दो, तो ये परेशानी आती नहीं थी ना। एन सीजन के टाइम पे अगर इस तरीके से कार्रवाई करेंगे तो व्यापारी को भी तकलीफ होती, व्यापारी को भी हम आह्वान करेंगे कि अपन मर्यादा में रहो। सबको हम बोलते रहते, व्यापारी महासंघ के तरफ से, महाराष्ट्र चैम्बर के तरफ से हम सबको बोलते रहते कि भाई कोई भी व्यापारी ने रोड पर नहीं आना चाहिए। रोड पर आएंगे तो प्रशासन का जो भी नियमानुसार कार्रवाई रहेंगी होते रहेंगी, पर प्रशासन ने भी रेगुलराइज इसको कंटिन्यूशन में रखते हुए ऐसे एंड टाइम पे आने से फिर प्रॉब्लम आ जाती है। एंड सीजन में लोगों का करोड़ों का माल भरा हुआ है, नुकसान होता सब बातें हैं, ठीक है, जो भी अभी चल रहा है उसका हम स्वागत करते हैं, उसमें कोई ये नहीं है, पर सीजन में नहीं करते हुए आप रेगुलर टाइम पे करना, ऐसी हमारी अपेक्षा है। हाथ गाड़ी का जो प्रश्न है, हाथ गाड़ी के वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हाथ गाड़ी के लिए हम बोल रहे हैं अलग से जोन बनाओ, हाथ गाड़ी अलग करो, वो प्रशासन उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और बाकी बातों पे ध्यान दे रहा है। मास्टर प्लान लागू होने वाला है, मास्टर प्लान लागू होने के बाद में जो भी होगा वो कटिंग होके हो जाएगा, ऐसी हमारी व्यापारी की भावना है। सर, महानगर पालिका ने अभी जो कार्रवाई की है आप बता रहे हैं ईद त्यौहार सन के मौके पर ही करते हैं, हाँ। तो क्या आपके व्यापारी महासंघ ने एसोसिएशन ने का निवेदन दिया महानगर पालिका को कार्रवाई? हमने महापालिका को निवेदन रेगुलर दिया है, अब भी एक हमने रिसेंट में एक उनको निवेदन दिया था कि भाई पहले आप हाथगाड़ी पे कार्रवाई करो, पार्किंग की व्यवस्था करो, पार्किंग जोन बनाओ, पार्किंग के मल्टी स्टोरेज पार्किंग बनाओ, आपके जो कर्तव्य के काम है वो पहले करो ना। आप व्यापारी को डायरेक्टली बहरेश करेंगे तो ये नहीं है, हम पार्किंग जोन बनाने की डिमांड है हमारी, पार्किंग जोन नहीं है तो लोग गाड़ियाँ कहाँ खड़े करेंगे, बताइए ना आप।
लोगों गाड़ियाँ खरीदने का मार्केट में अगर खरीदी को जाना है तो मल्टी स्टोरेज पार्किंग में नहीं, उसका चार्ज लीजिए ना, हम मना थोड़ी कर रहे। पर पार्किंग जोन नहीं है, मनपा का धोरण नहीं है, मनपा के पास क्या उनके अंतर्गत इशू है हमको पता नहीं है, पर जो भी कुछ है हम आयुक्त को मिलने वाले हैं जल्दी। और बहुत बहुत जो अतिक्रमण था, जो लोग बड़े दुकानदार आगे बढ़े हुए थे, आज उनके ऊपर मतलब ये आज कार्रवाई हुई, आप भी एक जिम्मेदार शख्स है, क्या कहेंगे? और जो लोग बीच में गाड़ियाँ पार करते हैं, हथगड़ियाँ लगाते हैं, परेशानी होती है ट्रैफिक में, क्या कहेंगे? देखिए, औरंगाबाद जो गुड़ मंडी है, यहाँ शुरू से ये तकलीफ होती चली आई है। बहरहाल मेरा कहना यह है कि आप जैसे अभी दिवाली का सीज़न चालू है, गरीब लोगों ने स्वाद ब्याज भट्टे पे पैसा उठा के थोड़ा माल भरा है, आप उनको दिवाली के 10 दिन बाकी हैं और दिवाली के टाइम में आप सीज़न में तकलीफ़ देंगे तो व्यापारी बहुत नुकसान में होगा, क्योंकि गरीब लोग हैं यहाँ पर, गरीब लोगों की वजह से ये यहाँ पर तकलीफ़ हुई। और मैं चाहूँगा यहाँ के जो अपनी मार्केट के लोग हैं वो भी अपनी देखभाल रखें, अंदर माल रखें, और जितना आप अंदर माल रखेंगे और अपना महानगर पालिका को सपोर्ट करेंगे तो आपका धंधा भी डबल से यहाँ पर होगा, क्योंकि औरंगाबाद के अंदर ये सबसे पुराना शहर, औरंगाबाद की गुड़ मंडी यही सबसे पुराना शहर है जो कि सब लोग यहाँ पर आते हैं। सर, महानगर पालिका बार बार कार्रवाई करती है, फिर दुकानदार वही हरधर्मी करते हैं, फिर और बाद में महानगर पालिका को आना पड़ता है, क्या कहेंगे? ये हमेशा महानगर पालिका की जो तकलीफ जो आप बता रहे हैं कि वो हमेशा आते हैं, तो ये दुकानदारों को समझना चाहिए, और हमें भी, मैं खुद दुकानदार हूँ, मुझे भी ये समझना चाहिए कि हम लोगों को सही व्यवस्था से अपना माल अंदर रखना चाहिए और जो आने वाले हैं उनको पार्किंग। और मैं महानगर पालिका से एक ख़ास तौर से आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप एक दफ़ा आकर यहाँ चूने से मार्किंग या कलर जो होता है वाइट कलर से, कि आपकी जो भी गाड़ी इसके अंदर से बाहर पाई जाएगी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम नदीम अख्तर। महानगर पालिका जो अभी आई है यहाँ कार्रवाई की है, तो क्या कुछ नोटिस वगैरह दिया था आप लोगों को, दुकानदारों को? यहाँ पर अभी 3 दिन पहले बहुत हंगामा हुआ, और 3 दिन पहले कि जो हुआ यहाँ पर कुछ मारामारी भी हुई थी यहाँ पर, जो कि मैंने सुना, मैं भी यहाँ साइड में खड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से उसकी कुछ खुंदस भी आज महानगर पालिका ने निकाली है, मैं ये समझता हूँ। आज Okay.